नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न भजिया। इसके लिए सबसे पहले 4 कप मक्के के दाने लिए, जिन्हें 4 कप पानी और 1 चम्मच नमक में उबालने चढ़ा दिया। जब उबल गए तो इनको छान लिया और उन्हें ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद इन्हें बिना पानी डाले दरदरा पीस लेना है। अब इस पिसे हुए कॉर्न को या मक्के के दानों को एक बाउल में निकाल लीजिए। अब इसमें डालिए 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 चुटकी हींग। आखिर में हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब इन सब मसालों को इस मक्के के मिक्सचर में अच्छे से हमको मिला लेना है। बिल्कुल अच्छे से ये सारे इसमें मिल जाने चाहिए। मसालों का सब टेस्ट जो है पूरे मक्के के मिश्रण में भर जाए। एकदम गाढ़ा है ये अभी हमें, तो यही हमारे लिए एकदम ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम 3-4 टेबलस्पून सूजी और उसे भी इसमें मिला लेंगे। सूजी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना हो तो ना डालें। और उसके बाद इसमें जो बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए वो है बेसन, तो 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे और 1/2 कप पानी डाल देंगे जो कि इस बेसन को इसमें लिपटाने में हेल्प करेगा। तो बेसन और सूजी सब इसमें मिल जाएगा, तो ये पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही रहना चाहिए ये मिश्रण। तो इस तरीके से हम देखिए हमने सब चीज़ें मिला ली इसमें और हमारा मिश्रण तैयार हो गया। हथेलियों को हल्का सा गीला कर लेंगे और फिर थोड़ा सा मिश्रण लेके हथेलियों के बीच में घुमाते हुए इसको गोल आकार दे देंगे, तो छोटे छोटे बॉल्स हम इससे बना लेंगे। इससे पहले मिश्रण को हम 5 मिनट के लिए थोड़ा रख देंगे एक तरफ, उसके बाद ही हम ये सब बनाएंगे। अब हम चाहें तो बॉल्स ही ना बनाएं बल्कि इनको रोल्स के शेप भी दे सकते हैं, इससे लंबे रोल्स होते हैं। आप चाहें तो इन्हें टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। तो आप जिस आकार में चाहें उस आकार में इसको आप बना लीजिए। तो सब बना के आप इनको रख लीजिए और उसके बाद तेल चढ़ा दीजिए तलने के लिए, और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें इनको डीप फ्राई कर लेंगे सुनहरा भूरा होने तक। जब ये सारे सुनहरे भूरे हो जाएंगे तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक प्लेट जिसमें कि हमने किचन पेपर लगाया हुआ है ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, और फिर इस क्रिस्पी कॉर्न भजिया को गरम गरम हरी चटनी के साथ परोस देंगे। कुछ सुझाव हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। जब हम मक्के के दानों को उबालेंगे तो इनको खाली 3/4 ही पकाइएगा, एक हल्का सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। पीसते समय पानी ना डालें नहीं तो पेस्ट जैसा हो जाएगा। सूजी हरकर कुरकुरापन लाने के लिए है, अगर आप चाहें तो ना डालिए। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। तो यदि रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नई रेसिपीज मिलती रहें। धन्यवाद।